बेटियां और पीढ़ियां। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हम यहां पर कहीं ना कहीं उस छोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया जा सके। दयाल जी, मेरा सवाल पहला आपसे है, हम जानना चाहते हैं किस तरह की जो दिक्कतें हैं राजनीति में महिलाओं को आमतौर पर आती है, चाहे वो सर्विस का फील्ड हो चाहे किसी और क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो महिलाओं को भी कठिनाई आती है और पुरुषों को भी कठिनाई आती है। ऐसा आप पहली महिला जो बराबरी वाली बात कर रही हैं। कांग्रेस ने क्या दिया महिलाओं को? समाज का एक प्रमुख जो दायित्व जो है वो एक नारी, आप भले ही महिला पंच सरपंच बना दीजिए लेकिन पावर उनकी जेब में अब तक भी नहीं, वो खुद आत्मनिर्भर ही नहीं ना वो डिसीजन मेकर हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ में है कि हमने एक चेहरा दिखा दिया क्योंकि आरक्षण है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से सीट इस तरह मिल सकती है, बस हमें जीत हासिल करनी है, सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना है किसी भी तरीके से, हमें महिलाओं को एम्पावर नहीं करना, ये चीज क्यों? प्रदेश की तीनों पॉलिटिकल पार्टी आप यहाँ पर बैठी हैं, आप तीनों अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम पर चोट है। मुद्दा मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें भी। रवि जी, मुझे एक बात बताइए, मैं फिर आपसे भी ये बात पूछना चाह रही हूं, जो हमारे प्रदेश के जाट नेता है वो किनारा करे बैठे हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि हम तो जाट आरक्षण के अभी जो एजिटेशन है उसमें हम नहीं जा रहे क्योंकि हम तो सरकार की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, हम सरकार को मोहलत देना चाहते हैं। एक तरफ यशपाल मलिक को शुरू से ही बाहरी घोषित किया गया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, आई गेस आप भी इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे ही। तो मेरा सवाल ये है, जिस शख्स को बाहरी बाहरी बार बार करार दिया जाता है हरियाणा के अंदर, उनका सपोर्ट आप उनके एजुकेशन में आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? एक एक करके बात करें, आप लोग एक एक करके बात करें ताकि खेल दी डिबेट हो और कोई निष्कर्ष निकल कर आए। शांत हो जाइए दर्शक जी, एक सेकंड, एक एक करके बात कीजिए, सबको एक करके बोलने का मौका मिले। सर, आपकी सरकार में भी जब पहले रेल की पटरियों पर जाट नेता बैठ गए, कुछ को आपने कह दिया जी ठीक है बात हो गई, आपने भी वही बांटने का काम किया था, वो बात छोड़ दीजिए। हमें आरक्षण देना ही चाहिए तो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, आर्थिक आधार की लड़ाई लड़ो, जिससे जो बच्चा ज्यादा पढ़ेगा हर जाति के अंदर, हर जाति के अंदर बात आरक्षण की हो ही नहीं, बात अभी तो ये हो रही है इंसाफ के लिए और युवाओं को। मैं आप लोगों से फिर एक बार दोहरा रही हूं, एक एक करके बात कीजिए और ना करा कीजिए, निष्कर्ष वाली है, कोई जवाब नहीं, निष्कर्ष वाली बात, हमें तो एक बात कहनी है, एक चीज पे सब छोड़ दीजिए ना, देखिए पूजा जी वाली नहीं, ये जहां समाज से एक बात कहना चाहता है, आरक्षण तो कोई जमीन जाएगा।